वालदैन बच्चों के सामने आपस में कभी झगड़ा ना करें। याद रखें, आपका बच्चा टीवी देख रहा है, आप समझ रहे हैं कि बच्चा कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है, बच्चे के हाथ में आईफोन है, बच्चे के हाथ में आईपैड है, वो गेम्स खेल रहा है। लेकिन अगर माँ और बाप का आपस में झगड़ा हो रहा है तो बच्चे के कान आपका झगड़ा सुन रहे हैं। आप हर किस न सोचें कि बच्चा नहीं सुन रहा, बच्चा हर बात को जबानी याद कर रहा है, वो उन तमाम बातों को सुन रहा है। और सबसे बड़ा दुश्मन बच्चे के लिए क्या है? माँ बाप का झगड़ा है, माँ बाप का इख्तलाफ है। जो ही माँ बाप का आपस में इख्तलाफ और झगड़ा होता है और वो आवाज बुलंद करते हैं तो मोहतरमा हिप्पा, वो बच्चा अपने माँ बाप से मुतनफिर हो जाता है, उसका एतमाद खत्म हो जाता है। कुछ अरसा पहले मेरे पास एक खामंद और जोजा मेरे पास आए, उन्होंने कहा कुछ उनको तावीजात की जरूरत थी, तो उनका एक बिजनेस था, कारोबार था, और आपस में वो आपस में काफी झगड़ा कर रहे थे। मुझसे मिलने के लिए भी आए तो उस वक्त भी आपस में काफी इख्तलाफ था। तो मैंने कहा कि आपका काम क्या है? तो उन्होंने बताया हमारा कारोबार है, बाप भी वही बिजनेस कर रहा है और उसकी जोजा, उसकी बीवी, वो उसी के तहत काम कर रही। तो मैंने कहा कि जब आप काम पर होते हैं तो उस वक्त भी आपके झगड़े इसी तरह जारी रहते हैं? कहा नहीं, हरगिज नहीं। मैंने कहा क्यों, काम पर क्या होता है? कहा काम पर अगर हम आपस में झगड़ा करें, इख्तलाफ करें, तो इससे हमारे जो इंप्लॉय हैं, जो हमारे नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर मनफी असर होगा, और उन पर ऐसा मनफी असर होगा कि वो एतमाद खो बैठेंगे, हम पर एतमाद नहीं करेंगे, और वो हमारी कायदाना सलाहियतें, हमारा रोब और वो दबदबा रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएगा। लिहाजा हम क्या करते हैं, काम में इख्तलाफ हो जाए तो हम अपने आप को कमरे में बंद करके झगड़ा करते हैं, लेकिन किसी वर्कर के सामने कभी झगड़ा नहीं करते। क्यों? अगर वर्कर के सामने झगड़ा करेंगे तो वो वर्कर हमसे मुतनफर हो जाएगा और वो हमारी बात नहीं मानेगा और रफ्ता रफ्ता एतमाद खो बैठेगा। तो मैंने कहा काम पर ऐसे होते? कहा हाँ, काम पर अक्सर हम एक कमरे में झगड़ा कर लेते हैं अगर इख्तलाफ हो, या घर आकर झगड़ा कर लेते हैं। तो मैंने कहा घर में क्यों झगड़ा करते हैं? कहा घर में बच्चे ही हैं और कौन है, बच्चे तो अपने हैं। मैंने कहा अच्छा, आपको इस बात का खौफ लाहिक है कि आपके झगड़े की वजह से आपके वर्कर आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जब माँ और बाप आपस में झगड़ा कर रहे हैं वो बच्चे उनसे दूर हो जाएंगे, बच्चे उनसे मुतनफर हो जाएंगे। लिहाजा मोहतरमा हिब्बा, बच्चों के सामने माँ बाप का कभी इख्तलाफ ना हो, ये इंतहाई अहम पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें और घर जाते ही फैसला करें कि अगर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बच्चे माँ बाप का एहतराम करें, तो आज के बाद वालदैन बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करें।